आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रंग लाई सीएम योगी की अपील, मुस्लिम धर्मगुरु भी आए आगे। यूपी में पहली बार नहीं हुई सड़कों पर ईद की नमाज। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की परीक्षा में पास हुई योगी सरकार। ईदगाहों में हुई नमाज। नमाज के लिए मस्जिद व ईदगाह में जगह कम पड़ी तो अलग अलग शिफ्ट में पढ़ी गई नमाज। पहले बुलडोजर, फिर लाउड स्पीकर विवाद और अब ईद की नमाज में यूपी ने पेश की कानून व्यवस्था की मिसाल। प्रदेश में 33,000 स्थलों पर हुई ईद की नमाज। हर जगह कायम रही शांति और सौहार्द। पूरे देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। कहा, पूरे देश में अमन शांति और सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। ईद के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार सहित जिले के एसएसपी व एसपी सिटी ने भ्रमणशील रहकर सभी मस्जिदों के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी लोगों को दी ईद की बधाई। भक्तों ने धूमधाम से मनाई भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती। पूर्व महापौर ने कहा, परशुराम भगवान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में आगे बढ़कर अन्याय और अत्याचारों का ना दे साथ। अक्षय तृतीया के अवसर पर महानगर के सभी आभूषणों के दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। नागरिकों ने सोना चांदी आभूषणों की जमके की खरीदारी। कहा, अक्षय तृतीया पर आभूषणों की खरीदारी का है विशेष महत्व। नहीं होता घर में धन धान्य की कमी। सपा के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधेश यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई भगवान परशुराम की जयंती। कहा, परशुराम जयंती पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि समाज में भाईचारे के रिश्ते को करेंगे कायम। चार मई से 18 मई तक चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। पखवाड़ा ग्राम एवं नगर पंचायतों में कैंप लगाकर बनवाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया जन्मोत्सव। कहा, भगवान परशुराम है भगवान विष्णु के छठवें अवतार, अभी भी धरती पर कर रहे हैं विचरण।